सैयद अमीन उल हक की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी भरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और चेयरमैन पीटीए के दरमियान तलक कलामी हुई है। चेयरमैन पीटीए ने ब्रीफिंग दी कि नेशनल फायरवॉल सिस्टम का नाम 2019 में सामने आया। मौजूदा हुकूमत गुज़श्ता हुकूमत के फैसले को आगे बढ़ा रही है। ये मालूम नहीं कि फायरवॉल की वजह से सिस्टम सुस्त हुआ, जिस पर उमर अयूब ने कहा कि आपको ये भी बताना चाहिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने फायरवॉल लगाने से इनकार किया था। मैंने ऐसा नहीं कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इनकार किया। चेयरमैन पीटीए की जानिब से ये जवाब सामने आया। तफसीलात जान लेते हैं असगर हयात से। जी असगर, मजीद क्या अपडेट है इस हवाले से? जी सैयद अमीनुल हक की सदारत कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ है, जिसमें चेयरमैन पीटीए ने इंकशाफ किया है कि फायरवॉल का जो नाम है वो 2019 में सामने आया, जबकि उमर अयूब और चेयरमैन पीटीए के दरमियान दल कलामी भी हुई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ये कहना था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने फायरवॉल लगाने से इनकार किया, जबकि चेयरमैन पीटीए का ये कहना था कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इनकार किया, बल्कि 22 अक्टूबर 2020 के जो काबिना के मिनट थे उसमें ये कहा गया कि फायरवॉल जो है वो लगाई जाए और पीटीए वफाकी काबिना की हदायत पर अमल दरामद का पाबंद है। इजलास में चेयरमैन पीटीए की जानिब से ये भी कहा गया कि जो पीटीए का सिस्टम है वो 5 से 6 दिन तक मुतासर रहा, और ये भी कहा गया कि 15 अगस्त से सिस्टम ठीक हो गया था और टेलीकॉम सेक्टर को जो है वो 300 मिलियन का जो है वो नुकसान हुआ है, जो इंटरनेट में खलल आया है। चेयरमैन पीटीए की जानिब से ये भी बताया गया कि जो सब मरीन केबल है उसकी खराबी की वजह से जो है वो इंटरनेट खुशरवी का शिकार है, और 22 अगस्त की जो है वो तारीख दी गई है कि 22 अगस्त तक जो है वो सब मरीन केबल जो है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये तारीख आगे भी जा सकती है, कुछ रोज मजीद भी इस केबल को ठीक होने में लग सकते हैं। कुल 7 केबल्स पाकिस्तान में आ रही हैं जो इंटरनेशनल सब मरीन केबल्स हैं, जिनमें से एक खराबी का शिकार है। और चेयरमैन पीटीए की जानिब से ये भी कहा गया कि वीपीएन की जो है वो व्हाइट लिस्टिंग जो है वो शुरू की गई 2010 में, और अभी तक 19,200 आईपीज को जो है वो रजिस्टर किया गया है, और वीपीएन की रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रेशन इसलिए की जा रही है कि लोगों का कारोबार मुतासर न हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया।